सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। असी अज सैवंथ क्लास का नैक्सट टॉपिक शुरू कर जा रहे हैं, अलजैब्रिक व्यंजक यानी कि अलजैब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये 12वां चैप्टर 12.1 अभ्यास सब तो इस एक्सरसाइज में ये जो बेसिक कंसैप्ट ने बेसिक चीज़ें उन्होंने बारे दसिया। मैं हर एक प्रश्न चो एक दो एग्जाम्पल्स करांगे, नालों नाल जो असी पढ़ना वो एक्सप्लेन करांगे तुहानू। ठीक है, फस्ट क्वेश्चन में उन्हें क्या आया, हेठ दित्तियां हालातों विच चल अचल अते अंक गणितिक क्रियावां दा प्रयोग करदे होए बीज गणितिक व्यंजक प्राप्त करो। ठीक है, इहदे विच असी वर्तने एक चल अचल, चल मतलब वेरिएबल्स, अचल मतलब कॉन्सटेंट्स। ठीक है, वेरिएबल्स जेड़े असी लैटर्स यूज करते एक्स वाई जेड एस टी। ठीक है, ये सारे की है साढ़े को वेरिएबल्स। कॉन्सटेंट अचल, अचल वो होंगे ने जिस तरह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 4, -5। ठीक है, ये की है साढ़े को कॉन्सटेंट अचल। चल का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिदी वैल्यू वेरी करे, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती, वेरी कर सकती। ठीक है, कॉन्सटेंट मतलब अचल जिदी वैल्यू फिक्स है वो ही रहनी पता है। क्लीयर, तो जिस तरह पहला है कहिंदा संख्या वाई विच्चों जेड नूं घटाउणा, दो संख्यावां ने वाई विच्चों जेड नूं घटाउणा। ठीक है, तो वाई विच्चों जेड नूं किस तरह घटावांगे, वाई विच्चों जेड नूं घटाउणा यानी कि वाई माइनस जेड, ये साढ़े को बन गई अलजैब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि अलजैब्रिक व्यंजक। ठीक है, जस्ट जो भी लिखा है मतलब इतने वाई तो जेड चल सके, इन्हों असी जो भी लिखे उन्होंने मैथमेटिकली असी एक्सप्रेस किया। ठीक है, जिस तरह फिफ्थ पार्ट है, दोनों संख्यावां एक्स ते वाई दे वर्गां नूं जोड़िया जांदा है। फिफ्थ पार्ट है दा, दो संख्यावां ने एक्स ते वाई इन्हां दे वर्गां नूं जोड़िया जांदा, वर्ग मतलब स्केयर घात दो। हुण एक्स दा वर्ग एक्स की पावर दो, वाई दा वर्ग, तो इन्हां नूं करता जोड़ता है, ये साढ़े को की बन गया व्यंजक बन गया। ठीक है, इस तरह ही बाकी करने असीं 10 विचों संख्या वाई अते जेड दे गुणनफल नूं घटाउणा, जिस तरह सैवंथ पार्ट है 10 विचों की घटाउणा, घटाउण दा मतलब माइनस करना, संख्या वाई अते जेड दे गुणनफल नूं, गुणनफल मतलब वाई अते जेड दे गुणनफल नूं 10 विचों घटाउणा। हुण वाई गुणा जेड, ठीक है, वाई अते जेड दा गुणनफल हो गया, इहनूं 10 विचों घटाया, इहनूं असीं इस तरह भी लिख सकते 10 माइनस वाई जेड। ठीक है, वाई जेड दा मतलब यही है वाई गुणा जेड। क्लीयर, हुण नैक्सट जिहड़ा सैकेंड क्वेश्चन है उहदे विच सानूं कुछ व्यंजक गिवन है, कहिंदा उहनां दे पदां अते उहनां दे गुणनखंडां नूं पछाणो। ठीक है, पद मतलब हुंदा टर्म्स, जिस तरह पहला मैं व्यंजक लिखदा एक्स माइनस 3, इहदे विच साडे कोल दो टर्म्स ने मतलब दो पद ने। ठीक है, तो इत्थे मैं पद मतलब टर्म्स, तो इत्थे हर एक टर्म दे गुणनखंड, भी वो जिहड़ी टर्म है किन्नू किन्नू गुणा करके बनी। हुण दो पद ने किहड़े किहड़े, एक्स ते दूसरा किहड़ा है माइनस 3। ठीक है, जां इहदे थल्ले लिखता सी एक्स ते दूसरा पद किहड़ा माइनस 3। हुण इत्थे एक्स जिहड़ा कल्ला एक्स ही है, तो माइनस 3 भी एक संख्या है। ठीक है, यानी कि इहदे दो पद ने, तो दोवें विच इक्को इक्को गुणनखंड है। क्लीयर, जिस तरह डी पार्ट है इहदा, ये हैगी साढ़े को 5xy² जमा 7x² y, इहदे भी साढ़े को किन्नियां टर्म्स हो गई, दो टर्म्स, केड़ियां केड़ियां, 5xy² तो दूसरे हैगी 7x² y। हुण इहनां दे गुणनखंड, आ जिहड़ी टर्म है 3
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜ, ਦੂਸਰਾ ਐਕਸ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਐਕਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪੰਜ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੱਤ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਟਰਮਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ, ਗੁਣਨਖੰਡ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਂ ਦੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂਕ। ਹੁਣ ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ, ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂਕ ਮਤਲਬ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪੰਜ ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ ਟੀ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗੁਣਨਖੰਡ, ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਮਤਲਬ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੰਜ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ, ਐਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੋ ਐਕਸ ਵਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਕਸ ਵਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਐਕਸ, ਦੋ ਐਕਸ ਵਾਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਏ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾਂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ। ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਵਾਏ ਦਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਾਏ ਦਾ ਤਿੰਨ। ਕਲੀਅਰ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਸ ਦਾ ਫੋਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਪਦ ਪਛਾਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰਮ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂਕ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਈ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਗੁਣਾਂਕ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ। ਕਲੀਅਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਸਥ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ, ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੰਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਹੈ, ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ। ਗੁਣਾਂਕ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਨਾਲ ਕੀ ਇਸ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਦੀ, ਦੋ ਪਦੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਦੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਦੋ ਪਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਚਾਰ ਵਾਏ ਮਾਈਨਸ ਸੱਤ ਜ਼ੈਡ, ਇਹ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਟਰਮ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਇਹ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਦੋ ਪਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵਾਈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪਦੀ। ਕਲੀਅਰ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਹੰਡਰਡ,
हूँ हंडर्ड ये भी एक हिसाब से अलजबरे व्यंजक है, ये कोई चल नहीं है, ठीक है। जो चल कह सकते हैं जिस तरह एक्स चल फिर वो पावर जीरो होगी, नैक्सट तुम एक्सप्लेन करा, ठीक है। ये फिर की है साढ़े को भी एक पदी है, क्लीयर। हूँ नैक्सट आ गए समान पद और असमान पद, यानी कि लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो होंदिया ने जिन्हों द वेरिएबल चल की हुए सेम हुए, ठीक है। जिस तरह सिक्स का फस्ट पार्ट है, ये टर्म्स ने साढ़े को एक सौ, हूँ एक भी संख्यात्मक है संख्या है, सौ भी संख्या है, कोई मतलब वेरिएबल नहीं यूज होया, इस करके एक ही है समान पद ने। समान पद मतलब लाइक टर्म्स, ठीक है। उस तो बाद जरा सेकंड पार्ट है माइनस सात एक्स पांच बटा दो एक्स, हूँ ये भी दो टर्म्स ने तो दोवां दा वेरिएबल चल सेम है, इस करके ये भी की समान पद ही है साडे को, यानी कि ये भी लाइक टर्म्स ने, ठीक है। जरा थर्ड पार्ट है माइनस उन्ती एक्स तो माइनस उन्ती वाई, ये असमान ने। क्यों असमान ने? क्योंकि ये जो वेरिएबल एक्स है ये की है वाई, ठीक है। वेरिएबल सेम होना चाहिए संख्यात्मक अचल नहीं, तो असमान मतलब एक ही हो गया फिर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। उस तरह नैक्सट इस तरह फोर्थ है चौदह एक्स वाई तो बताली वाई एक्स, हूँ इतने ये भी दो टर्म्स ने, इतने साढ़े को वेरिएबल है एक्स वाई, यानी कि एक्स गुणा वाई, ये की है वाई एक्स, यानी कि वाई गुणा एक्स। हूँ एक्स गुणा वाई तो वाई गुणा एक्स सेम है, ठीक है। जिस तरह दो नू तीन नाल गुणा कर लो या तीन नू दो नाल गुणा कर लो, एको ही गल है। इस तरह ही एक्स वाई तो वाई एक्स भी की है सेम है, इस करके ये भी दोवें की है समान पद ने। समान पद यानी कि लाइक टर्म्स ने, ठीक है। नैक्सट है सैवंथ क्वेश्चन है, उदे विच सानू टर्म्स गिवन है, उदे विच असी लाइक टर्म्स जिहड़ियां समान पद पछाणने हैं, ठीक है। दो पार्ट ने ते एक मैं करदा हां। देखो सैवंथ क्वेश्चन, हम पहला है गया माइनस एक्स वाई स्केयर, ठीक है। दूसरी है माइनस चार वाई एक्स स्केयर, तीसरी है कि आठ एक्स स्केयर, फिर दो एक्स वाई स्केयर, फिर है कि सात वाई माइनस ग्यारह एक्स स्केयर माइनस सौ एक्स माइनस ग्यारह वाई एक्स बी एक्स स्केयर वाई माइनस छः एक्स स्केयर वाई दो एक्स वाई, तो लास्ट है साढ़े को तीन एक्स। लो हम देखो किनिया टर्म्स गिवन ने, एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, इन तेरह में असी समान पद पहला कढ़ने हैं, ठीक है। सब तो पहला ए माइनस एक्स स्केयर एक्स वाई स्केयर, हूँ देखो होर कोई टर्म हैगी जिद नाल ए वेरिएबल लगा हुआ एक्स वाई स्केयर, ए है एक्स स्केयर वाई, ठीक है। ये दोवें असमान ने क्योंकि इतने वाई की पावर दो है इतने एक्स की पावर दो है, ये दोवें की ने असमान ने। असी वो वाली टर्म वेखनी जिथे एक्स की पावर एक होए वाई की पावर किन्नी होए दो होए, एक्स वाई स्केयर ए आएगी, ठीक है। ये समान फिर ए होगी, दूसरी कड़ी है दो एक्स वाई स्केयर,
फिर होर एक्स वाई स्केयर वाली टर्म, ये भी एक्स स्केयर वाई है, सानू एक्स वाई स्केयर चाहिए, ठीक है। बस आ दो समान ने, ठीक है, ये पहला ग्रुप बन गया साढ़े को। दूसरा ग्रुप बनाओ समान टर्म्स का, हुण वाई एक्स स्केयर, एक्स की पावर दो ते वाई वाई, ठीक है, वाई एक्स स्केयर, ए वाई एक्स स्केयर गां पछाण लिखा है हुणे तुहानू, इत्थे की है वाई एक्स स्केयर, उत्थे एक्स स्केयर वाई, सेम चीज़ है जिस तरह पहला दस्या, ठीक है। दो नू तीन ना गुणा कर लो या तीन नू दो ना गुणा कर लो, इहदा मतलब ए कि ते ए जरा वी एक्स स्केयर वाई, ये भी दोवें की ने समान लाइक फ्रैक्शनस ने, ठीक है, सॉरी लाइक टर्म्स ने। उस तो बाद बस ए दो हो गए, ए दूसरा ग्रुप बन गया। हुण तीसरा एक्स स्केयर वाली, वो वाली टर्म जिहदा वेरिएबल सिर्फ एक्स स्केयर, किन्ना आएगा माइनस ग्यारह एक्स स्केयर आएगा, ठीक है, होर कि आएगी माइनस छे एक्स स्केयर, यह हो गया साढ़े को तीसरा ग्रुप। हुण चौथा वाई वाली, कल्ली वाई वाली, सत्त वाई, उस तो बाद केड़ा आएगा साढ़े को ए आएगा, ठीक है, वाई, क्लीयर। ये हो गया साढ़े को चौथा ग्रुप। पंजवा एक्स वाली, ठीक है, अगे जिस तरह कल्ली वाई वाली देखी हूँ कल्ली एक्स वाली, तो कल्ली एक्स वाली एक है तो एक आया तीन एक्स, यानी कि एक है गई साढ़े को माइनस सौ एक्स, तो दूसरी आ गई तीन एक्स। हूँ कोई बच गई टर्म साढ़े को, यह दो बच गई, ठीक है, वाई एक्स तो एक्स वाई, भी सेम ही है, मतलब भी लाइक टर्म्स है, माइनस ग्यारह वाई एक्स तो दो वाई एक्स तो दो एक्स वाई, ठीक है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में दसिया। हुणे उही वेरिएबल चाहिए, अगे पिछे लिख लो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। ये साढ़े को जिहड़ियां साढ़े को ग्यारह टर्म्स गिवन सीगियां, उन्हां नूं असीं लाइक टर्म्स ते अलग अलग ग्रुप बनाते, ठीक है। ये सीगी तुहाडी अभ्यास 12.1। धन्यवाद सारिआं दा।